बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से खास रिश्ता है। 2002 में उनकी कप्तानी में जब टीम इंडिया ने नेट वेस्ट ट्रॉफी जीती थी, तब गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार दी थी। उन्होंने सिर्फ टी शर्ट उतारी ही नहीं थी, बल्कि उसे काफ़ी देर तक लहराया भी था। कोलकाता में दुर्गा पूजा की थीम के बीच एक पंडाल ऐसा भी बना है जो लॉर्ड्स की बालकनी जैसा है। कोलकाता में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार एक पंडाल लॉर्ड्स की बालकनी थीम पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन सौरव गांगुली ने किया। गांगुली ने वहां पहुंचकर तिरंगा लहराया और प्रशंसकों से मुलाकात भी की। इस पंडाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस पंडाल का निर्माण मिथाली संघ कम्युनिटी ने करवाया है। गांगुली ने वहां पूजा भी की। 13 जुलाई 2002 को नेट वेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत के जीत के हीरो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ थे। इस फाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 325 रन बनाए। 326 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शानदार शुरुआत की। पारी का आगाज करते हुए सौरव गांगुली और वरिंदर सहवाग ने पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की। सौरव गांगुली ने 60 रन बनाकर आउट हुए, वहीं वरिंदर सहवाग 45 रन बनाकर आउट हुए। एक समय भारत का स्कोर 5 विकेटों पर 145 रन था, जहां से युवराज और कैफ ने मोर्चा संभाला। दोनों ने 121 रन की साझेदारी की। युवराज ने 60 से ऊपर रनों की यादगार पारी खेली, तो वहीं मोहम्मद कैफ ने 80 से ऊपर रन की यादगार पारी खेली। टीम इंडिया को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने 3 गेंद शेष रहते 8 विकेटों पर 326 रन बनाए लिए। जीत के बाद भारत के कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।